सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और CSIR ने दिसंबर 18 सेट सी का क्वेश्चन लिया हुआ है हमें 45 नंबर्स। तो इससे रिलेटेड मैंने पिछला क्वेश्चन एक पूछा था, तीन क्वेश्चन 45, 96 एंड 97, कि वो जनरली एक संयोग भी कह सकते हैं आप कि कौन सी बुक्स से क्वेश्चन वो पूछा गया है, मिला हुआ है, क्या आपके पास वो बुक है। मैंने उसका सिर्फ नाम्स पूछा था, बट कुछ ही लोगों को उससे प्रॉब्लम्स हुई कि आपको सिर्फ वहाँ पे बकवास करनी थी या तो आप बकवास कर लेते, या बहुत सारे ऐसे एक दो कमेंट्स आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा वहाँ पे कोई बकवास करने का इरादा नहीं था, कोई आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा सिर्फ मोटो इतना था आपको कि आपके पास क्या वो जो बेसिक बुक है कम से कम वो है कि नहीं है, क्योंकि वो जनरली सभी के पास होनी चाहिए बुक्स। अगर है तो आप क्या उस सेट की स्टडी करते हैं, क्या सिर्फ मटेरियल को ही कलेक्ट कर रहे हैं या उसकी स्टडी को भी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मोटो वो था। तो मैं आपको उस बुक का नाम बता देता हूँ, आप बुक में आप उसमें ढूंढ ढूंढ सकते हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, MD राज सिंघानिया की वो बेसिक बुक है जो मेरे पास है। उसमें ये 45, 96 एंड 97 तीनों क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की बात करें तो हो सकता है किसी के पास कोई बहुत सारा ट्रिक्स हो, उस ट्रिक से वो सॉल्व कर ले, बट मुझे जो आ रहा है मैं उसको आपको बताऊंगा। और ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कहेंगे कि एक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं, बट आप जो सोल्यूशन को करेंगे तो आप कम टाइम में कर सकते हैं। बट यहाँ मैं इसको टोटली डिटेल्स में ओपन करके बताऊँगा कि अगर कभी इस तरह का और कोई प्रॉब्लम्स आया तो आप उसको मिस ना करें। तो जनरली आप इस वीडियोस को टोटली देखेंगे तो आपको फाइनल टू समझ में आएगा, क्योंकि सोल्यूशन देना ही सिर्फ मोटो नहीं होना चाहिए, उसका टोटली रिजल्ट एंड फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, और उस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस अगर और मिले आप तो कैसे कर पाएंगे। तो यही मेरा मोटो रहेगा, तो वीडियोस बड़ा होगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें फ्रेंड्स को। आइए इसकी सोल्यूशन की हम बात करें, तो पहले कैसा मेथड है, कैसे जज करना है, सिंपल सा। इसके हमें टाइप को जज करना है, पहचानना है, दिस इज द विच इज़ द वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल जो है ये फर्स्ट काइंड का प्रॉब्लम्स है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें पहले इसको वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड में बदलना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। YxFx लैम्डा KxT YtDt, दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ये होता है। अब इसी का सोल्यूशन हम निकालना है, तो y इक्वल टू fx प्लस लैमडा 0 to x rxt लैमडा ftdt, दैट इज नोन, एवरीवन इज नो कि rxt लैमडा क्या है। मैं जनरली आई थिंक रीसॉल्वेंट कर्नल इसको बोला जाता है, बट नेम कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, बट इज हियर। तो अब rxt लैमडा की का मान क्या होता है, m to infinity लैमडा पावर m-1 KmxT, दैट इज अ कर्नल। तो अब इसे हमें KmxT को निकालना है, जब हम KmxT को निकाल लेंगे तो फिर ये निकालेंगे, इसके मान यहाँ रखेंगे, देन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। तो वन बाय वन प्रोसेस टू प्रोसेस इसको वर्क करेंगे। तब इसको हमें इसमें बदलना है, इस वाले पोर्शन को इसमें बदलना है। तो करंट बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अप्लाई द DUIS मेथड्स, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरामीटर्स, क्योंकि जब हम DUIS को अप्लाई करते हैं तो हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पैरामीटर की जो बात करेंगे, चूंकि ये DT के रिस्पेक्ट में है और x इज द लिमिट है, इट मीन्स हियर पैरामीटर इज x। व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर इज x। नाउ तो हियर इज गिवेन 0 to x 1 - x² प्लस t² और 5t dt इज इक्वल टू, दिस इज x² / 2, दिस इज 1 है। सो नाउ अप्लाई DUIS सिंपल। सो दिस इज पैरामीटर है, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर x, सो दिस इज 0 to x 1 - x² प्लस t² 5t dt इज इक्वल टू ∂x, दिस इज x² / 2। नाउ कम टू दिस पॉइंट, आइए तो अब ये चीज़ें हो गई 0 to x, इसको हम इनसाइड ले आएंगे तो ∂x 1 - x² प्लस t² 5t dt प्लस, अब इस फंक्शन की अपर लिमिट के साथ वैल्यू, तो 1 - x² प्लस x² हो जाएगा, जहाँ t होगा और t है दिस इज द 5x होगा, प्लस इस डेरिवेटिव दैट पोर्शन, इसका डेरिवेटिव हम करते हैं इनटू में, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस 0
इज इक्वल टू, चूंकि लोअर लिमिट के साथ हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप डी वाई एस आप देख लीजिएगा जो पैरामीटर लिमिट्स हो एक्स, तो उस तरह का उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ओनली 2x/2। तो व्हाट इज द फाई एक्स, फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 0 to x, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स फाई टी डी टी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे -2x होगा बट इज ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड, दैट पोर्शन इज ट्रांसफर एंड वी गेट दिस। सो अब ये मिल गया, देख लीजिए ये पोर्शन मिल गया हमें, ठीक है, ऐसा मिल रहा है ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइव एक्स है x प्लस एफ एक्स, तो दिट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लैमडा इज 2 के एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, ये पोर्शन हमें मिल गया हमें। अब इसी पे आगे का वर्कआउट करना है, तो हमें एवरीवन इज नो कि के वन एक्स टी इज इक्वल टू के एक्स टी कर्नल दैट इज एक्स, एंड के एम एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट, 0 to, यहाँ पे टी टू एक्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, टी टू एक्स दैट इज इंपॉर्टेंट लिमिट, के 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 जो हमारा होगा ये जेड एक्स जेड, ठीक, और के एम माइनस 1 जेड टी डी जेड, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें आगे का वर्क करना है, दैट इज हियर टी के एक्स जेड हियर। तो आइए पहला m इज इक्वल टू 2 पे बात करें, दिस इज के टू एक्स टी की का मान, तो टी टू एक्स, ठीक, लिमिट एक्स जेड, जहाँ x है वहाँ पे x ही, तो चूँकि x ही रहेगा, t नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आ जाए के वन, तो यहाँ पे भी बट x के जगह हमारे क्या है, z है, तो यहाँ पे z डी जेड आ जाएगा। देन यू कैन सॉल्व दिस, हियर यू गेट x, और इस एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख ले, तो एक्स अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 रेस पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये किसका मान हो गया, के टू एक्स टी का, के थ्री एक्स टी, सो वी गेट हियर टी टू एक्स। अब आइए के एक्स जेड तो कॉमन है, मतलब एक्स रहेगा, अब जेड टी के वन 3 रख रहे हैं तो के टू जेड टी, तो के टू जेड टी में यहाँ पे जेड है, जेड आ जाएगा, यहाँ पे एक्स के जगह जेड आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एंड डी जेड। तो आप जब इसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, जब इसको मॉडिफाई करके आप सॉल्व कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर एक्स अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 रेस पावर एम माइनस सॉरी 3 माइनस 1, ठीक, ये मिल गया। तो अगर हमें लिखना है फ्रेंड्स के एम एक्स टी क्या हो जाएगा, ठीक, एक्स अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 रेस पावर, ठीक है, एम माइनस 1, ठीक, ये हमें के एम एक्स टी का मिल गया। तो अब हम किसका मान निकालेंगे, ये निकालेंगे, जब ये मिल गया तो हमें ये निकालना है। तब इसको निकालने के लिए फिर से अब वर्कआउट स्टार्ट करें, यहां से अब फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। तो ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं अभी। तो हमारा r x t लैम्डा की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा पावर m माइनस 1, ठीक, x अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 रेस पावर m माइनस 1। सो व्हाट इज द कॉमन, x इज आउटसाइड दिस, अब समेशन, ठीक, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक, और रेस, अब इसके पावर है हमारा एम माइनस 1 और ये पावर है एम माइनस 1 फैक्टोरियल का, नाउ ओपन दिस एक्स 1 प्लस लैम्डा, अब 1 रख दिए
वन टू इन्फिनिटी, तो वन आ गया, जीरो सब आ गए और यहाँ पे भी वन। अब टू रखेंगे तो टू मतलब यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू अपॉन फैक्टोरियल वन। ठीक, थ्री रखेंगे तो वन प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू और इसका होल स्क्वायर मिलेगा अपॉन किसका, टू फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटीज। ठीक, अब ये क्या मिला, ये है हमारा e पावर x, तो x e के पावर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ये है लैम्डा। तो अब ये चीज़ें मिल गई और लैम्डा इज इक्वल टू टू आपने निकाला हुआ है, तो x e के पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू इंटू टू, सो टू इज कैंसल, x e के पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये किसका मान मिल गया हमें, r x t लैम्डा का मान। अब हम इस सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, जब ये चीज़ें हमें निकल गई तब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइव एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू एक्स आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी, तो एफ एक्स इज एक्स, लैम्डा इज टू, जीरो टू एक्स एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और दिस इज टी डी टी, एक्स प्लस टू यहाँ से एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर निकल जाएगा जीरो टू एक्स। ठीक, और यहाँ पे टी ई के पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये पोर्शन हमें मिल गया। अब इसको मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये टोटली जब मैं सॉल्व करेंगे तो x प्लस टू एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर इन साइड ई के पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, एंड दिस इज माइनस टू हो जाएगा और जीरो टू एक्स, ये होगा टोटल इसका कैलकुलेशंस। हम इसको मान लेंगे टी स्क्वायर को, आप मान लीजिए टी स्क्वायर को मान लीजिएगा वी मान लीजिए और देन यू कैन सिंप्लीफाई, देन वी गेट दिस। तो ये चाहे तो हम टू कैंसिल भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके बाद में, टू एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस टू प्लस ई के पावर जीरो अपॉन माइनस टू। ठीक, और मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स, तो एक्स माइनस हो जाएगा, टू टू कैंसिल, एक्स सिर्फ बचेगा प्लस। ठीक है, समझ में आ रही बात, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे फिर ये टू नहीं रहेगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट प्लस हो गया टू एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर, सो दैट इज हियर फाई ऑफ एक्स हमें मिल गया एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, फाइनली हमने रिजल्ट ये निकाल लिया। अब आपसे जो पूछा गया है फाई रूट टू का मान, तो देन यू कैन फाइंड आउट दिस फाई रूट टू, यहाँ पे रूट टू और ई के पावर टू, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर मिल जाएगा, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी के सब गलत। तो चूंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, बट मेरा सिर्फ मोटो ये था आपके, आपको इसको मैं प्रोसेस को समझा सकूं और इस कैलकुलेशन को कर पाएँ। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।